What's up guys, welcome to Candidate। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज के बारे में। इस लिस्ट में मैंने कई मूवीज को लिया है, उनमें कुछ मूवीज रिलीज हो चुकी है तो मेजोरिटी मूवीज ऐसी है जो अभी रिलीज होने वाली है। इन शॉर्ट ऐसी मूवीज जो या तो ब्लॉकबस्टर बन चुकी है या फिर बनने का पोटेंशियल लगता है। तो टाइम फटाफट इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वैसे गाइस 2023 सिनेफाइल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा ईयर रहने वाला है, क्योंकि इसमें फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट जबरदस्त धमाकेदार मूवीज एक के बाद एक हमें देखने वाली है। और इसलिए जो कि इतने सारे मूवीज है, इसलिए हमने इसको मंथ बाय मंथ हमने डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है जनवरी में कौन सा फिल्म होगा। ऑफकोर्स पठान स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, एसआरके का जबरदस्त कमबैक, टाइगर की एंट्री और 1000 करोड़ कलेक्शन, यही कुछ फ्रेजेस और पॉइंट्स इनफ है इस फिल्म को समझाने के लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े यानी कि फरवरी मार्च और अप्रैल की तरफ है, तो इन तीनों महीने में कोई ज़्यादा बड़ी फिल्म्स देखने को नहीं मिली है। हाँ, भोला और किसी का भाई किसी की जान, इनको हम इग्नोर मार देते हैं क्योंकि इनका कलेक्शन वही 100 या 200 करोड़ मैक्सिमम, और उसको हम ब्लॉकबस्टर मूवीज के बिगेस्ट मूवीज के लिस्ट पर नहीं डाल सकते। और हाँ, पोनियन सेल्वन 2 भी है और उसका फर्स्ट डे कलेक्शन, मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका फर्स्ट डे कलेक्शन काफ़ी इंप्रेसिव आया है, बट सेकेंड डे में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है, थर्ड फोर्थ डे मुझे पता नहीं। इसके बाद अगर हम मई की ओर पढ़े तो मई महीने में एक फिल्म आ रही है जो कि है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बट काफ़ी कुछ कर सकता है बॉक्स ऑफिस के मामले में, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जो कि केरला स्टोरी। अब ये थोड़ा कश्मीर फाइल्स वाइब दे रहा है एंड आई होप कि ये वैसे ही कंटेंट दे और बॉक्स ऑफिस पर एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के दम पर अच्छा कलेक्शन कर ले। इसके साथ साथ हनुमान फिल्म भी रिलीज हो रही है, माना कि उसका भी बजट कुछ ज़्यादा नहीं है बट कलेक्शन के मामले में भी वो भी 300-400 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है। इसके बाद जून महीने में एकदम सोच लो कि सबसे बड़ा एकदम बम्प होने वाला मंथ होगा ये इस साल का, क्योंकि पहले तो रिलीज हो रही है शाहरुख खान की जवान, वो तो एकदम पठान कुछ भी नहीं है, लोग कह रहे हैं ना पठान कुछ भी नहीं है, असली सरप्राइज तो जवान में है। और उसके साथ साथ आदि पुरुष भी रिलीज हो रही है। आप लोग सोचेंगे भाई तू तो हिपोक्रेट जैसा बात कर रहा है, इससे पहले कई सारे फिल्म्स में तूने उसको गाली दिया कि कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता, और एक मोशन पोस्टर के आ गया तूने उसको इस साल की बिगेस्ट मूवीज के लिस्ट में डाल दिया। तो गाइस ऐसा नहीं है, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, बात यह है कि ऑडियंस अभी इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे बट देखो बुक माई शो पर 92,000 लोग इंटरेस्टेड है जो कि जवान मूवी से ज़्यादा है। तो यही से आप लोग सोच सकते हो कि ये आदि पुरुष या जवान कौन सा फिल्म ज़्यादा कलेक्शन करेगा, अभी एक तगड़ी कंपटीशन बन चुकी है। जुलाई के महीने में अगर हम गौर करें तो उस महीने में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, और इसके बाद अगस्त सितंबर की तरफ हम बढ़ेंगे। बट उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, कमेंट करो और हम लोग बढ़ते हैं अगस्त की तरफ। तो अगस्त में 3 सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है और वो भी एक ही दिन पर यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन। 3 बड़े बड़े फिल्म डायरेक्ट क्लैश, एक है विवेक अग्निहोत्री की वैक्सीन वार, दूसरी सनी देओल की 22 साल बाद की एक फिल्म सीक्वल गदर 2, और रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर एनिमल। अब ये 3 फिल्म में से कौन सा फिल्म बाजी मारेगा वो वक्त ही बताएगा। अब अगर हम सितंबर के महीने में अपने आँख डालें तो सोच लो कि वो महीना इस साल का सबसे स्पेशल होने वाला है सिनेफाइल्स के लिए, क्योंकि उस महीने रिलीज हो रही है सलार, जो कि आप लोग एज्यूम करके चलो इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनेगी। KGF यूनिवर्स का पार्ट होना, प्रभास की स्टार पावर, और अगर एक रॉकी भाई का कैमियो देखने मिल जाए जो कि 99% चांस है कि हाँ रहेगा, तो सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को रेस्ट इन पीस बोल लो। आदि पुरुष जवान भाड़ में जाए, ये फिल्म नंबर 1 स्पॉट पर रहेगा। इसके बाद अगर हम अक्टूबर महीने की तरफ बढ़े तो उस महीने में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हो रही है जो बहुत धमाल कर सकती है, जो कि विजय थालापति की फिल्म लियो। अब लियो फिल्म LCU यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट होगा, और उस यूनिवर्स ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है आफ्टर द मूवी विक्रम। उस मूवी में कोई ज़्यादा बड़ा स्टार कास्ट नहीं था बट स्टिल उस फिल्म में 450 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, तो इसमें तो विजय थालापति है, 600-700 करोड़ तो ईजिली कमा लेगा वो फिल्म। इसके बाद नवंबर में एक और सरप्राइज, टाइगर 3 आने वाला है यार, वो भी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। टाइगर फ्रेंचाइजी तो इटसेल्फ इतना ज़्यादा पॉपुलर है, ऊपर से इसमें पठान का कैमियो देखने को मिलेगा और ये सीधा बेस सेटअप करेगा टाइगर वर्सेस पठान फिल्म का। तो सोच लो कि ये फिल्म भी एकदम बम फोड़ देगा। इसके बाद अगर हम दिसंबर की ओर आ रहे तो ये मैंने कहा ना, ये साल हमें सांस चैन की सांस लेने नहीं देगी, क्योंकि एंड आते आते भी ये हमारा जीना हराम कर देगा, हमारा एंड कर देगा, क्योंकि रिलीज हो रही है पुष्पा 2। आप सोचो 3 हफ्ते पहले वेयर इज पुष्पा जो ये ग्लिम्स आया था, उसके साथ जो पोस्टर आया था वो एकदम सोशल मीडिया पे पूरा आग लगा दिया था। तो अब जब सोचो कि जब ये इस फिल्म का टीजर ट्रेलर और जब ये फिल्म खुद आएगा तो क्या हालात होगा
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी सालार को अच्छी खासी कंपटीशन देगी इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने पे। और कई सारे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, आप में से कई सारे लोग सोच रहे हैं भाई तुमने कई सारे फिल्म्स को तो नहीं लिया है, मुझे पता है लाइक गणपत मूवी को मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें टाइगर श्रॉफ है, तो मेरा कोई ज़्यादा होप्स नहीं है उस फिल्म को लेकर। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट के की, तो प्रोजेक्ट के फिल्म भी अगले साल रिलीज़ हो रही है और वो भी अगले साल के बीच में शायद कहीं जगह रिलीज़ होगी क्योंकि पोस्टपोन हो जाएगा। और अगर हम बात करें बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, तो मुझे डर है कि वो इस साल की बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म ना बन जाए क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जो दो लीड एक्टर्स हैं उनका हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है हाल फिलहाल में, तो इस साल की बिगेस्ट मूवीज नहीं बिगेस्ट डिजास्टर मूवीज़ की लिस्ट में चला जाएगा। और रही बात डंकी की, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो फिल्म भी पोस्टपोन हो जाएगी अगले साल जनवरी में। तो यहाँ पर इस मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक, मैंने कहा सब, और सब्सक्राइब अब लोग करो यार, मैं एक साल हो गया है अभी भी 500 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो एक भाई का रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।